हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ एफएम जनरेशंस। एफएम मॉड्यूलेशन को, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसको कैसे जनरेट करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है जिसके द्वारा हम एफएम सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं एफएम जनरेशन के बारे में। तो इसमें दो टाइप का होता है, पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसको दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है वेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वह होता है आर्मस्ट्रांग फेज मॉड्यूलेटर। इसका यूज करके हम लोग एफएम सिग्नल जनरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, जो कि रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इन दोनों के बारे में एक एक करके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के बारे में। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंस प्रॉपर्टी का यूज करके मॉड्यूलेटर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग किन किन कंपोनेंट को यूज करके बना सकते हैं, एफईटी के यूज करके बना सकते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, ठीक है, बीजेटी का यूज करके बना सकते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और वैक्यूम ट्यूब का यूज करके भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर होता है उसमें हम लोग एफईटी, ठीक है, एफईटी का यूज करके हम लोग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर बनाएंगे। तो आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, ए वाला, ये एफईटी का यूज करके रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एफईटी है, ठीक है, इसका यह टर्मिनल ड्रेन है, इसको बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, ए एफईटी है। यहाँ पे जो गेट और ड्रेन है, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है जिसका रिएक्टेंस एक्ससी है। ठीक है, और गेट और सोर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है आर। ठीक है, और जो सोर्स टर्मिनल है इसको ग्राउंडेड किया गया है। ठीक है, यहाँ से ग्राउंडेड किया गया है, और जो गेट और सोर्स है यहाँ से हम लोग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यह होता है रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम। यहां से जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं वीजी, ठीक है, गेट वोल्टेज, और इसका जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग कहां पे देते हैं, टैंक सर्किट को। ठीक है, इसको, इसका जो आउटपुट मिलता है इसको देते हैं टैंक सर्किट पे, उसके बाद रिएक्टेंस, और इसके बाद एफएम सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो इसका हम लोग देखते हैं पहले डेरिवेशन। तो वीजी इक्वल टू आई बी इंटू आर, वीजी जो है आई बी इंटू आर के, तो वीजी इक्वल टू आई बी इंटू आर, चूंकि जो आई बी है, ठीक है, इक्वल टू है वी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो वी जी इक्वल टू क्या आ गया, आर इंटू वी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। तो एफ ई टी की जो ड्रेन करंट होती है इक्वल टू होता है आई डी, आई डी इक्वल टू जी एम इंटू वी जी, जी एम को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां से ID इक्वल टू GM हो जाएगा इंटू VG, VG के स्थान पे इतना पूरा पुट करेंगे R इंटू वी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। ठीक है, और A डैश के मध्य जो इम्पीडेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो इम्पीडेंस होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो Z इक्वल टू V अपॉन ID होगा। ठीक है, तो V जो होगा वोल्टेज है, V अपॉन आई डी, तो आई डी इक्वल टू, यहां से हम लोग निकाला गया है जी एम इंटू आर इंटू वी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। ठीक है,
तो आईडी की जो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, जेड इक्वल टू वी अपॉन जी एम इंटू आर इंटू वी अपॉन आर माइनस जे एक्सी। यहाँ पे वी और वी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो क्या होगा जेड इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी अपॉन जी एम इंटू आर। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ से जी एम जब कॉमन लेंगे वन बाई जी एम तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू वन बाई जी एम ब्रैकेट में यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा तो वन बचेगा, वन माइनस जे एक्सी बाई आर। ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं लेट कि जो एक्सी है ठीक है वो बहुत ज्यादा है आर से, या जो एक्सी बाई आर है वो बहुत ज्यादा है वन से, तो क्या होगा यहाँ पे वन हट जाएगा तो होगा जेड इक्वल टू माइनस जे एक्सी अपॉन जी इंटू आर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स जो इक्वलेंट होगा, जो इक्वलेंट इम्पीडेंस आएगा वह इक्वल टू आएगा, या इक्वलेंट रिएक्टेंस जो आएगा इक्वल टू एक्सी अपॉन जी एम इंटू आर। ठीक है, इक्वलेंट रिएक्टेंस है जहाँ पे हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटी रिएक्टेंस होता है एक्स सी इक्वल टू वन बाई टू पाई एफ सी होता है। ठीक है, यहाँ पे जब पुट करेंगे एक्स सी की जगह पे तो एक्स इक्वलेंट हो जाएगा एक्स सी अपॉन टू पाई एफ सी इंटू आर। ठीक है, तो यह होता है डेरिवेशन इसका रिएक्टेंस मॉडरेटर का। तो यहां से हम लोग का जो आउटपुट मिलेगा उसको देंगे टैंक सर्किट को, इसके बाद हम लोग एफएम सिग्नल को जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी का। ठीक है, जो एफएम जनरेशन की जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें एक प्रॉब्लम होता है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी का, जो कि इनडायरेक्ट मेथड में उसको पूरा किया जाता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम लोग एक क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं, और हम लोग जानते हैं जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छा होता है। ठीक है, टैंक सर्किट की अपेक्षा। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा रिएक्टेंस मॉडरेटर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।